सो हाय फेलर्स, चेंगो हियर। सो गाइस, ये वाली वीडियो हम लोगों की रहने वाली है सीजन 8 के अपडेट के रिगार्डिंग, जो कि सीजन 8 में अपडेट आना है। मैंने काफी हद तक कवर किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड ये वाली वीडियो होने वाली है जो सीजन 8 में आने वाली है, एक न्यू गन, उसको हम लोग जाएंगे एंड चला के देखेंगे। तुम बोल रहे हो भाई सीजन 8 तो आया नहीं, चलाओगे कैसे? सो वो काम मेरा है, हम लोग लाइव जाएंगे, उसको चला के देखेंगे एंड हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर वो जो गन बिंसो नाम है ना उसका, आई मीन ऐसे कुछ नाम है, So, वो किस तरीके की गन है एंड कितना उसका रिकॉयल है, हम लोग जब आएंगे कितनी गोलियां रिलोड कर सकते हैं एंड ऑल दैट। एंड मैं तुम्हें कोई वैसे दिखाने नहीं वाला आर्मनी में जाके, मैं उसको जाके चलाने वाला हूँ। सो चलो यार, लेट किस बात की देरी है। एंड गाइस, मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, हम लोगों ने 450 हिट करना है एंड आई थिंक 5000 सब्सक्राइबर्स लेफ्ट रह गए। सो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लो एंड खूब सारे लाइक करो। एंड कोई भी अगर सीजन 8 के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, सो सबसे पहले चेंगो चैनल चेक करना, जरूर से तुम्हें हर अपडेट मिल जाएगा। सो मेक श्योर गाइस, जरूर से सारे वीपिन ट्रिक्स या कुछ में सारे अपडेट्स तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे गेम के अंदर एंड तुम लोग देख सकते हो कि भाई ये वाला एक तरीके से है बीटा वर्जन, एंड एक्चुअली एक तरीके से नहीं, ये है ही बीटा वर्जन। सो यो PP19 BIZON बिंजोन नाम की जो गन है, ये वाली PP19 इसको बोलेंगे। सो पहले तो हम लोग जाते हैं एक बार सेटिंग के अंदर एंड सेटिंग में जाने के बाद कंट्रोल्स एंड कस्टमाइज एंड हम इस मैप को कर देते हैं नाम मात्र, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है ना। सो ये कर देते हैं जिससे कि तुम्हें बहुत अच्छा एक ओवरलुक मिल पाए। सो चलो गाइस, इस वाली गन को हम लोग उठा लेते हैं यहाँ से एंड चलो थोड़े से ऐसा करते हैं, यहाँ से एक बैग भी ले लेते हैं ना। सो गाइस, अभी मैं जितनी भी चीज़ें इस वाली गन पे तुम्हें करके दिखाऊंगा, 6x ऑल डैट, सो वो सारी की सारी बिना किसी सेटिंग के करूंगा। आई मीन ना मैंने ADS सेट किया है, ना मैंने जायरो सेट किया है, सारा डिफॉल्ट ही है, बस मैंने इनेबल कर दिया है, तुम लोग ये देख सकते हो। सो मैंने इसको सिर्फ इनेबल किया है, कोई भी नहीं है। तो गाइस, इस वाली गन को अगर हम लोग उठाएंगे, ठीक है, सो मैं बैग में जाता हूँ, मैंने अभी कुछ भी नहीं इसके साथ कनेक्ट किया हुआ, जैसे कोई भी एक्सटेंडेड मैक या कुछ भी नहीं, एंड मैं रिलोड पे यहाँ क्लिक करूँ। सो रिलोड पे सिर्फ क्लिक करने से ही हमारे पास यहाँ 53 बुलेट्स रिलोड हो रही हैं। सो इसका मतलब इसमें हमें कुछ भी नहीं है जरूरत लगाने की। सो इसका मतलब है हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाने की ज़रूरत है, बट बिना कुछ भी लगाए हमारे पास 53 बुलेट्स हो जाएंगी 30 से। चलो इस वाली गन में देखो एक भी लोड नहीं है, मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ एंड रिलोडिंग हो रही है कुछ भी ना लगाए बिना एंड 53 बुलेट्स यहाँ रिलोड हो जाती हैं। उसके बाद गाइस इसमें लग सकते हैं सिर्फ यहाँ पे एक सप्रेसर, कंपनसेटर एंड फ्लैश हाइडर। सो हम लोग यहाँ पे सप्रेसर ट्राई करेंगे बिकॉज वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे आते हैं एंड थोड़ी सी बुलेट्स और ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं स्कोप्स के ऊपर। स्कोप्स पे जाने के बाद एक मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ अपना रेड डॉट एंड उसके बाद उठा लेते हैं यहाँ पे एक 3x। ओके, सो रेड डॉट वाला कहाँ पर है अपना, पहले मुझे देखने दो। ओके, सो पहले हम लोग लगाते हैं इसके ऊपर रेड डॉट एंड हम लोग ट्राई करते हैं एक बार कि इसका भाई लोग रिकॉयल आखिर है कैसा। सो मैं अभी यहाँ कुछ भी नहीं करूँगा, मैं रिकॉयल खींचूंगा नहीं, मैं सीधी स्टेबल गन ऊपर जाने दूंगा एंड हम लोग देखते हैं कि भाई रिकॉयल कैसा है इसका। ओके, सो रिकॉयल है गाइस इसमें, आई मीन जैसे स्कॉर्पियन आई थी उसमें कुछ भी ना करो तो भी बहुत हद तक सीधी थी। अब एक बार बैठ के हम लोग ट्राई मारते हैं। ओके, सो तब भी रिकॉयल है बट कम है, बैठने के बाद ऐसे यू नो कम हो जाता है ना रिकॉयल। अब अगर हम लोग रेड डॉट के साथ हम लोग ट्राई करें कि इसको रोकने की भी, तो ओके, तो अगर हम लोग ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, एक्चुअली सेटिंग्स भी नहीं है, तो मतलब हम इसका इजीली रिकॉयल कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे भी जो 9mm की गन होती है उसका हम लोग कोई भी ऐसी गन है ही नहीं वो जिसमें हम लोग रिकॉयल ना कंट्रोल कर सकें। उसके बाद गाइस हम लोग चलते हैं 3x पे एंड हम लोग थोड़ी दूर की जैसे कि उस पर ट्राई करते हैं। सो अब हम लोग ट्राई करते हैं 3x से। सो एज यू नो गाइस, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा तो ऑब्वियसली बात है गन ऊपर जाएगी। सो ट्राई करते हैं 3x से कंट्रोल करने की एंड हम लोग देखते हैं कि भाई कितनी दूर तक इसके शॉट्स जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज नॉट, मतलब इतनी मेरा घटिया रिकॉल कंट्रोलेशन नहीं है, बट यहाँ पे भी कुछ सेटिंग नहीं की हुई, सारी डिफॉल्ट है, डेट्स वाई आई मीन सेंसिटिविटी बहुत हाई है। सो 3 में भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो बेसिकली यार हम लोग रिकॉल तो उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो एक मेन चीज़ आती है जो कि मुझे चेक भी करनी थी, मैं देखना चाहता हूँ कि 6x इस वाली गन पे लग रहा है, तो 6x लगाने के बाद आखिर इसकी बुलेट जो है कितनी दूर तक जा सकती है। सो एक बुलेट हम यहाँ शॉट मारते हैं। ओके, मतलब ओके बिल्कुल उसी जगह पे लगी बुलेट जहाँ पे थी। सो गाइस मुझे एक सेकंड दो यार, मैं इसकी थोड़ी सेंसिटिविटी अपने हिसाब से करूँ सेट, आई मीन बहुत ज़्यादा हाई है एंड जायरो की भी। ओके, सो मुझे लगता है इतने में मेरे थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। ओके, अभी ठीक है काफ़ी।
तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो गाइस मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। ओके, बिल्कुल एट अ पॉइंट लगी, मतलब इसकी रेंज गन की है एंड मतलब इतनी बुरी रेंज भी नहीं है इसकी। ओके, अभी थोड़ा सा और दूर करते हैं एंड ट्राई मारते हैं इससे भी दूर करने की। सो देखते हैं कितनी आखिर ये गन दूर तक हमें दे सकती है शॉट। ओके ओके, बिल्कुल सही शॉट कनेक्ट हुआ। सो मतलब अगर देखा जाए इसका मतलब कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बुलेट ड्रॉप हो रही हो, मतलब काफ़ी दूर तक जा रही है एंड जिस जगह पे हम लोग कर रहे हैं ना उसी जगह पे कनेक्ट हो रही है, सबसे बड़ी बात ये है। सो चलो वो देखो, वो पीछे एक और है, मैं वहाँ ट्राई मारता हूँ। अगर हम लोग यहाँ माउंटेन्स में ट्राई मारें सो क्या होगा? ओके, तो यहाँ सिंगल पे करके ट्राई मार ले दो। ओके, यहाँ पे गाइस अगर तुम लोग देखो तो बुलेट ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे आसमान की तरफ मैं कर रहा हूँ ना शॉट, तो वो देखो वहाँ पे ही लग रहा है, आई मीन माउंटेन पे। तो मतलब ये नियर बाय कितने मीटर्स होगा? ओके, 800 मीटर से भी ज़्यादा है। सो 800 मीटर से भी ज़्यादा है, डैट्स वाई ये तो चीज़ नॉर्मल ही है। एंड अगर देखो मैं आसमान की तरफ कर रहा हूँ ना शॉट को, सो वो देखो कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, जाके माउंटेन्स पे कनेक्ट हो रहे हैं शॉट्स। सो इसका यही मतलब है गाइस कि इसका बुलेट ड्रॉप तो है एंड ऑब्वियसली बात है 9mm की गन है तो बुलेट ड्रॉप तो होना ही है। कोई बहुत बड़ी चीज़ ऐसी नहीं, मैंने कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी निकाल दी हो जिससे कि सब हैरान हो जाए। सो एक बार यहाँ ट्राई मारें। ओके, ये देखो अगर मैंने उसके हेड के ऊपर शॉट मारा, सो हेड पे शॉट मारने के बाद ये नियर बाय अगर देखें तो उसके चेस्ट पे लगा। ओके, 210 मीटर ये कोई बहुत दूर भी नहीं है, फिर से ट्राई मारते हैं एक बार। ओके, हेड पे शॉट मारने के बाद 230 मीटर ही है सिर्फ ये, एंड हेड पे मैं शॉट मार रहा हूँ बट ये चेस्ट पे लग रहा है, तो मतलब 200 मीटर के अंदर भी इसका बुलेट ड्रॉप काफ़ी रहने वाला है। एंड अगर हम इसको कर लें आई मीन ऑटो पे एंड रिलोड करके एक बार चला के देखते हैं, सो क्लोज रेंज में गाइस ये गन काफ़ी डेडली हो सकती है। देखो ये देखो कितनी ज़्यादा इसकी तेज स्प्रे है, आई मीन नियर बाय मान लो तुम लोग ये UMP है जो कि बिना एक्सटेंडेड मैग की है। सो गाइस इस वाली गन को आई थिंक सारे के सारे हम लोग यूज़ करने वाले हैं एंड ये एक बहुत ज़्यादा गेम चेंजर गन भी हो सकती है, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसका बिल्कुल भी रिकॉयल है नहीं एंड ये काफ़ी लॉन्ग रेंज तक इसका रिकॉयल नहीं होगा अगर आप लोग क्रॉल करके मारो। अभी तो मेरी सेंसिटिविटी भी सेट नहीं है, अगर मैं अपनी रियल आईडी में खेलूँ ये बीटा वर्जन है एज यू नो, तो भी तुम लोग देख लो अभी सिर्फ ये जायरो से मैं रिकॉइल कंट्रोल कर रहा हूँ, फिंगर तो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। सो भी इसका रिकॉइल बहुत ही कम है जिन्हें रिकॉइल कंट्रोल करना आता है। सो तुम लोग बहुत इजीली रिकॉइल कर सकते हो कंट्रोल, कोई भी तुम्हें टेंशन नहीं होने वाली है। सो आई थिंक इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही एंड तुम लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने भी कवर किया इस गन के बारे में। ये तो सबने बताया कि भाई गन आ रही है बट ये किसी ने नहीं बताया कि गन काम कैसे करती है एंड ऑल दैट। सो इस वाली गन में तुम लोग देख सकते हो सारा का सारा कुछ मैंने बताया एंड अगर अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं कमेंट करके तुम्हें बता दूंगा। एंड बीटा वर्जन अगर तुम लोग डाउनलोड करना चाहो सो इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, थोड़ा इजी नहीं है इतना भी, मतलब थोड़ा मेहनत तो लगेगा बट तुम्हें अगर ढूंढना है तो सो तुम्हें मिल जाएगा। सो गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रॉम स्टैंगो, बाय।